अगर आप लोग भी मेरी तरह पाकिस्तान जाना चाहते हो पर आपको प्रोसेस पता नहीं है कि कैसे जाना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो वो सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देख लेना। और घबराना नहीं, ये प्रोसेस पूरी तरह से लीगल है, इसमें कुछ भी लीगल नहीं है। ना आपको तारों के ऊपर से जाना, ना आपको तारों के नीचे से जाना है। तो ये पूरी लीगल प्रोसेस जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने पाकिस्तान सीरीज़ पे पहले दो एपिसोड भी बनाए हुए हैं इसके, पार्ट वन पार्ट टू, मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे। आप पहले वो दो वीडियोस देख लो और फिर उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि फिर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके, तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो जो इंडिया के बाहर से है, जो फॉरेनर्स है, आप तो सीधा डायरेक्टली वीज़ा लेके जा सकते हो पाकिस्तान। इंडियंस और पाकिस्तानीज को एक दूसरे के कंट्रीज़ के वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत ही क्रूशियल सर्कमस्टांसिस में ही हमें एक दूसरे के कंट्रीज़ के वीज़ा मिल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पाकिस्तानी को इंडिया में ट्रीटमेंट लेना हो तो फिर वो इंडिया में मेडिकल वीज़ा ले ही आ सकता है। मतलब अगर किसी इंडियन को पाकिस्तान जाना हो टूरिज़म के लिए, तो हम टूरिज़म के लिए तो जा ही नहीं सकते एक दूसरे के कंट्रीज़ में। अगर आपके पास एक कोई लेजिट रीज़न हो तो वो रीज़न का यूज़ करके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना टूरिज़म के लिए तो इम्पॉसिबल है पाकिस्तान जाना या पाकिस्तानी इसको इंडिया में आना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो आपकी विज़िट होगी वो एक वीज़ा फ्री विज़िट होगी, इसके लिए आपको वीज़ा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर के लिए है, ये पाकिस्तान के वीज़ा की प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस फॉलो करके आप सिर्फ और सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर ही जा सकते हो। ओके, तो करतारपुर कॉरिडोर का मीनिंग क्या है? कॉरिडोर मतलब एक ऐसी जगह पाकिस्तान में कि आप सिर्फ वही जगह आप ट्रैवल कर सकते हो, आप उस स्पेसिफिक एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए उसको करतारपुर कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि आप बस वो गुरुद्वारा ही देख के आ सकते हो, आप बाकी का पाकिस्तान इस प्रोसेस के साथ आप नहीं घूम सकते हो। तो आपकी प्रोसेस जो है वो एक वेबसाइट है, प्रकाश पूर्व 550 करके, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो मैं उस वेबसाइट को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा। ये अगर तीन डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप सॉर्टेड हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है करतारपुर कॉरिडोर रजिस्ट्रेशन। तो ये सर्च करने के बाद जो यहाँ पे पहला रिजल्ट आ रहा है, पिलग्रिमेज टू करतारपुर साहिब, आपको इस पर क्लिक करना है और वो वही वेबसाइट है प्रकाश पूर्व 550 करके। और ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे आपको घबराने की या फ्रॉड होने की कोई चांसेस नहीं यहाँ पे। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं रेड में, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। यहाँ पे बस बेसिकली वही लिखा गया है कि आपके पास नेगेटिव RT-PCR होना चाहिए, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, अगर सिम्टम्स होंगे तो आपकी वहाँ पे टेस्ट होगी और अगर टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन ये लिखा गया है कि बस ये एक ही वेबसाइट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन करके, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, क्योंकि ये OCI कार्ड का जो मामला है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर इंडियन सिटीजन्स को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है, डेट सिलेक्ट करने के लिए आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर से जो आपकी जो डेट होगी वो यहाँ पे देख लेना, जो पहली वाली डेट से पहले जो 14 दिन है वो सारे ब्लॉक्ड है, जो यहाँ पे 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक पूरा ब्लॉक्ड है। तो आप 13 मार्च की अगर आप डेट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि 13 मार्च का भी स्लॉट खाली नहीं है, तो आपको 14th, 15th, 16th, 17th और 18th का ही आप स्लॉट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो मान लो अगर मैं 15th का स्लॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर लेता हूँ, तो इस पेज पे मुझे एक फॉर्म आएगा। तो ये फॉर्म का पार्ट ए है, फॉर्म के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको बेसिकली यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करना है, यहाँ ऊपर आपकी आप देख सकते हो आपकी जर्नी डेट दिखाई दे रही है जो ये 15th March 2022, और यहाँ पे पासपोर्ट टाइप पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी सिलेक्ट करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, पासपोर्ट नंबर आपको आपके पासपोर्ट के आखिरी या पहले पेज पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू डालनी है, मतलब आपका पासपोर्ट आपको कब इशू हुआ था, और डेट ऑफ एक्सपायरी आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है।
और फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू भी डालनी है आपको। प्लेस ऑफ इशू में आपने पासपोर्ट कहाँ से पासपोर्ट के आपने आपने कहाँ पे अप्लाई किया था, वो प्लेस ऑफ इशू होगी आपकी। फिर आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, और आपका नाम आपको वही डालना है जो आपके पासपोर्ट पे प्रिंट किया गया हो। फिर आपको यहाँ पे आपका सरनेम मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका फादर का या आपके गार्डियन का नाम यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको आपकी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आपकी जो भी जेंडर होगी। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा में आप एम जो जो यहाँ पे दिखाया गया है वो सेम कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मेरे लिए यहाँ पे एम यू एक्स 7 यू पी ऐसे कुछ है। तो ये सब कुछ सेव और कंटिन्यू करने के बाद, मैं एक्चुअली सेव और प्रोसीड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने डिटेल्स नहीं फिल किए हुए हैं। तो आप फिल करके प्रोसीड जब करोगे आपको फॉर्म का पार्ट बी मिल जाएगा। तो पार्ट बी में आपको बस वही सेम चीज़ें एंटर करनी होगी, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होंगे, आपके पैन कार्ड के डिटेल्स एंटर करने होंगे, आपका घर का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। फिर बाद में आपसे कुछ सवाल थोड़े पूछे जाएंगे फॉर्म पे ही, कि आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है या आपके कोई पाकिस्तान में रिलेटिव्स है। वो सारे सवालों के आपको सही सही जवाब देने होंगे। जवाब देने के बाद फिर आपको एक फाइल नंबर आएगा, वो फाइल नंबर आपको मतलब बहुत ध्यान से संभाल के रखना है। पुलिस वेरिफिकेशन जब मेरा हुआ, बाकी लोग जो गए हुए करतारपुर उनका यूजुअली दो ही वेरिफिकेशन हुए, पर मेरे साथ मेरे तीन वेरिफिकेशन हुए। एक तो मुझे पता नहीं इंटेलिजेंस, शायद इंटेलिजेंस ब्रांच से दो ऑफिसर आए हुए थे, वो घर पे आए, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया पूरा, मुझसे कुछ सवाल पूछे जनरल सवाल कि मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, मेरे कोई रिलेटिव्स है पाकिस्तान में या मेरे कोई फ्रेंड्स रहते हैं पाकिस्तान में। तो आपको जो भी चीज़ है वो उनको सही सही बतानी है, आपको कुछ भी छिपाना नहीं है उनसे। जो मेरी सेकंड वेरिफिकेशन हुई वो मेरे टाउन के पुलिस स्टेशन में हुई, और मुझे लगा कि इस वेरिफिकेशन के बाद मेरी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इस वेरिफिकेशन के लिए मैं अपना पासपोर्ट लेके गया, अपना आधार कार्ड लेके गया और अपना पैन कार्ड लेके गया, उसके साथ दो फोटोज़ और कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा उन्होंने मांगे हुए थे पुलिस ने, वो भी मैं साथ में लेके गया था। और मुझे लगा कि इसके बाद मेरा वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट, पर मेरा थर्ड वेरिफिकेशन भी हो गया, वो यूजुअली जो यूजुअली लोगों का नहीं होता है। और थर्ड वेरिफिकेशन मेरा मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में हुआ। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे फिर वापस वही सेम प्रोसेस मुझे करनी पड़ी, वही सेम डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने पड़े। मेरा तीन बार वेरिफिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने टाउन से मैं पहला बंदा हूँ जो पाकिस्तान जाके आया हुआ। डिस्ट्रिक्ट का मेरा वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद जो कंफर्मेशन मैसेज था मुझे, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक हफ्ते बाद आया। और मेरे पाकिस्तान जाने की जो मैंने डेट सेलेक्ट की थी उस डेट से 5 दिन पहले आया। तो कंफर्मेशन मैसेज जब आता है तभी आप जा सकते हो। तो आपको फ़ोन पे कंफर्मेशन मैसेज आने के बाद उसी सेम टाइम आपको एक मेल भी आएगा, उस मेल में आपको ETA फॉर्म आपका मिलेगा। आपने मुझे पिछले दो वीडियोस में बहुत बार सुना होगा ETA फॉर्म कहते हुए। वो ETA फॉर्म एक्चुअली आपका वो फॉर्म होता है कि आप उस फॉर्म पे आपके सारे डिटेल्स होते हैं कि आप किस दिन विज़िट कर रहे हो, आपका एक बार कोड होगा, आपके जो भी डिटेल्स होंगे वो उस ETA फॉर्म पे होंगे। और ETA फॉर्म का यही मतलब है कि आपका जो भी प्रोसेस है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है और नाउ यू आर गुड टू गो। वो आपका लास्ट कंफर्मेशन होगा पाकिस्तान जाने के लिए। तब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करेंसी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से करेंसी लेके जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी थोड़ी गिरने लगी है उनकी इकोनॉमी की वजह से। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से डॉलर्स लेके जाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मैं आपको करेंसी दिखा देता हूँ। तो ये जो करेंसी है वो US डॉलर है, ये US डॉलर है। US डॉलर कुछ ऐसे दिखता है, ये $5 है। तो ये आपको इंडिया में किसी भी मेट्रो सिटी में मिल जाएगी, या आपके आसपास अगर कोई बैंक होगी बड़ी बैंक तो आप उस बैंक में भी जाके ये करेंसी आप वहाँ से आप एक्सचेंज करवा सकते हो। ये है पाकिस्तान के 100 रुपये, मतलब लगभग मान लो इंडिया के 40 रुपीज़ है ये। अगर आप इंडिया के 40 रुपीज़ दोगे तो आपको पाकिस्तान के 100 रुपये मिल जाएंगे। यह फ्रंट साइड और यह इसकी बैक साइड। ये है पाकिस्तान के 50 रुपीज़, इंडिया के आप मान लो ये 21-22 रुपये होंगे। आप अगर 20-21 रुपीज़ वहाँ पे दोगे तो आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से आप कह सकते हो कि अगर इंडिया का 1 रुपया आप लोगे
तो उसके बदले आपके आपको पाकिस्तान के 2 रुपीज़ 50 पैसे मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा आपको पैसा मिल जाएगा पाकिस्तान में। तो ये है पाकिस्तान के 10 रुपये, और ये मान लो इंडिया के कुछ 4 या 5 रुपये होंगे। तो बस वही है कि आपको इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया में पाकिस्तान की करेंसी मिलेगी, पर इंडिया में आपको डॉलर ज़रूर मिलेंगे। तो आप इंडिया से आप किसी भी बैंक में जाके, किसी भी बैंक को विज़िट करके आप वहाँ से आप डॉलर्स ले लीजिए, और फिर उसके बाद ही आप पाकिस्तान जाना। और अगर इनकेस आपको डॉलर्स नहीं मिलते तो आप अपनी इंडियन करेंसी वहाँ पाकिस्तान में भी जाके कैरी कर सकते हो। और वहाँ पाकिस्तान में बस गुरुद्वारा के बाहर ही एक बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप उस बैंक में भी अपना जो भी करेंसी है वो एक्सचेंज करवा सकते हो। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। एटलीस्ट मैंने तो कोई, मेरे लिए तो कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पे। जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने पाँच छः घंटे वहाँ पे बिताए, वो बस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ ही भरे हुए थे। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ जाके आओ, क्योंकि पता नहीं यार हम दोनों कंट्रीज़ के बीच माहौल कब ख़राब हो जाए, और कब ये जो फैसिलिटी बनाई हुई है हमारे दो गवर्नमेंट्स ने, कब ये भी बंद हो जाए, मतलब कोई आइडिया नहीं है। आई विश कि ये कभी बंद ना हो, और इसके जैसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाए हम इंडियंस और पाकिस्तानीज को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा, आप जल्द से जल्द अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ ये प्लान बना के आप जाके आए, बहुत सेफ है, बहुत आप पॉजिटिव फील करोगे। तो आई होप आपको ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके सारे डाउट्स में कमेंट सेक्शन में आपके क्लियर कर दूंगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।